कहानी एक लाडो चिड़िया की है। वो अपने सात प्यारे प्यारे बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी अचानक से जंगल में तेज हवाएं चलने लगती है और तूफान आ जाता है। लाडो चिड़िया का घोंसला तूफान में उड़ जाता है। मम्मी, इस अचानक आए हुए तूफान ने हमारा सारा घोंसला तोड़ दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मीनू मौसी के घर छोड़कर आती हूँ। जब मैं हमारा घोंसला फिर से बनाऊंगी तब मैं तुम सबको वापस ले आऊंगी। नहीं मम्मी, हम आपको हमारा घोंसला बनाने में मदद करेंगे, हमें नहीं जाना मीनू मौसी के घर। बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो और अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तुम सब बाहर रहोगे तो तुम सबको ठंड लग जाएगी, इससे तुम बीमार पड़ सकते हो, इसीलिए घोंसला बनाने तक तुम मीनू मौसी के यहाँ पर रहो। इतना बोलकर लाडो अपने सारे बच्चों के साथ थोड़ा अनाज लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। शाम होने तक माँ और बच्चे मीनू मौसी के घर आ जाते हैं। लाडो मीनू मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। लाडो बहुत देर तक मीनू मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। अरे लाडो, तुम यहाँ पर कैसे? क्या बताऊँ बुलबुल बहन, लाडो सारी बातें बुलबुल चिड़िया को बता देती है। इसीलिए मैं मीनू मौसी के यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मौसी तो यहाँ पर नहीं है, वो दो दिन पहले अपनी बेटी से मिलने के लिए जंगल से बाहर गई है। चलो लाडो, अब मैं चलती हूँ, मुझे अनाज लाने के लिए बाहर जाना है। ठीक है बुलबुल, बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लाडो अब बहुत परेशान हो जाती है। पता नहीं अब मीनू मौसी वापस कब आएंगी, अब बच्चों को लेकर मैं किसके घर जाऊँ? इस पूरे जंगल में एक मीनू मौसी ही थी जिनके घर मैं बच्चों को कुछ दिनों के लिए वहाँ पर छोड़ सकती थी। बुलबुल चिड़िया का घोंसला भी बहुत छोटा है, अब तो थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। लाडो और बच्चे जल्दी से वहाँ से उड़कर एक अनजान पक्षी के घर के पास आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाजा खटखटाती है। आप सब कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों मेरे घर का दरवाजा खटखटाया? भैया जी, मेरा नाम लाडो है और ये है मेरे बच्चे, मैं पास वाले सुंदरवन जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पर मीनू मौसी के घर आई थी, लेकिन वो तो घर पर नहीं है और अचानक से ये जोरदार बारिश भी शुरू हो गई है। क्या आप थोड़ी देर के लिए बारिश रुकने तक आपके घर में हमें पनाह दे सकते हो? मैं बारिश रुकते ही मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, तुम्हें घर के अंदर लेने से पहले मैं अपनी पत्नी गोरी से पूछ लेता हूँ। कालू जी, इतनी तेज बारिश में कौन आ गया है बाहर? बाहर मीनू मौसी की कोई रिश्तेदार आई है, मीनू मौसी तो घर पर नहीं है, इसीलिए बारिश बंद होने तक हमारे घर में पनाह मांग रही है, उसके साथ बच्चे भी हैं। अरे नहीं नहीं कालू जी, मैं नहीं दे सकती हमारे घर में आसरा, जाओ आप उस चिड़िया को मना कर दो। अरे गोरी, उसके पास एक पोटली भी है, लगता है उसमें अनाज है, तुम एक बार जाकर उससे बात तो कर लो। क्या क्या कहा, पोटली? रुकिए, मैं अभी जाती हूँ। सुन रही चिड़िया, मैं अपने घर में किसी को भी फ्री में रहने नहीं देती, तुम्हें बदले में मुझे कुछ तो देना होगा, तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। मेरी इस पोटली में अनाज है, आप इसमें से थोड़ा ले लो, लेकिन हमें आपके घर में थोड़ी सी जगह दे दो। ठीक है, तुम सब घर में आ सकते हो और अंदर आते समय अपने पैर पोंछ कर आना, मुझे मेरा घर गंदा और गीला नहीं करना। तुम सब इस घोंसले में रहना और तुम्हारी पोटली से आधा अनाज मुझे किराए के तौर पर दे देना। लाडो आधा अनाज गोरी कौवे को दे देती है, गोरी वो अनाज लेकर अपने घर में वापस आ जाती है। कालू जी, आज तो मजा ही आ गया, अच्छा हुआ ये चिड़िया हमारे पास आसरा मांगने के लिए आ गई।
हमें तो बेटे बिटाए फ्री में अनाज मिल गया। गोरी, मैंने अदरक वाली चाय बनाई है, जाओ ये चाय उन सबको दे कर आओ, बेचारे बारिश में भीग कर आए हैं। बड़े आ गए चाय देने वाले, वो सब क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो हम उनकी मेहमान नवाजी करें? अब चुपचाप सो जाओ, ये सारी चाय मैं पी लेती हूँ। आए बड़े फ्री में चाय पिलाने वाले। इधर लाडो चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी, सारे बच्चे सो गए थे। ये गोरी कौवी तो बहुत चालाक है, बस अब जल्दी से बारिश रुक जाए, मैं सुबह होते ही अपने जंगल वापस चली जाती हूँ। सुबह हो जाती है, लाडो घर के दरवाजे पर आकर देखती है। अरे बाप रे, ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, अब मैं अपने जंगल कैसे जाऊंगी? लाडो चिड़िया परेशान हो जाती है, तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। सुन रे चिड़िया, बारिश आज भी हो रही है, अगर तुझे आज भी घर के अंदर रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे दे दे। लेकिन बहन जी, मैं तो पहले ही आपको आधा अनाज दे चुकी हूँ, अगर ये बचा हुआ अनाज भी मैं आपको दे दूंगी तो मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे, वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुझे इस घर में रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे देना ही होगा, वरना मेरे घर से अभी चली जा। लेकिन इतनी तेज बारिश में हम कहाँ पर जाएंगे, हम पर कुछ दया करो। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई, या तो मुझे अनाज दे दे, वरना मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। लाडो चिड़िया मजबूर थी और इसी मजबूरी का फायदा गोरी कौवी ने उठाया। लाडो ने बचा हुआ सारा अनाज गोरी कौवी को दे दिया। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, मैं अब मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं अपने जंगल वापस नहीं जा पाऊंगी। रात हो गई थी, लाडो और बच्चे गोरी के घोंसले में सो रहे थे। रात भर तेज बारिश चलती रही, सुबह होते ही लाडो दरवाजे पर आकर देखती है, लेकिन आज भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गोरी कौवी लाडो के सारे बच्चों को दरवाजे पर लेकर आती है। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए अब कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम तुम्हारे बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ। आपने हमारा सारा अनाज तो ले लिया, कृपया करके बारिश रुकने तक हमें घर में रहने दो, इतनी तेज बारिश में हम कहाँ पर जाएंगे? बड़ी आई बारिश रुकने तक रहने वाली, मैंने क्या धर्मशाला खोल कर रखी है जो फ्री में तुम्हें रहने दो? अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है अनाज तो देना ही पड़ेगा। लाडो और बच्चे बारिश में भीग रहे थे। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे, हमें बहुत ठंड लग रही है, ये बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है। चलो बच्चों, हम किसी और पक्षी के घर जाकर मदद मांगते हैं। लाडो और बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर आने पर उन्हें एक और घर दिख जाता है, वो उस घर के पास रुक जाते हैं। लाडो उस घर का दरवाजा खटखटाने ही वाली थी, तभी वो खिड़की से अंदर झांककर देखती है। अरे बाप रे, ये तो शिकारी चील का घर है, अगर इस घर के अंदर चली गई तो ये हम सबको खा जाएगा। लाडो और बच्चे चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। लगातार बारिश में भीगने की वजह से बच्चों को तेज बुखार आ जाता है। लाडो और बच्चे एक बड़े पेड़ के नीचे रुके हुए थे। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को तेज बुखार आ गया है, इस जंगल में मैं और किसी को भी नहीं जानती। लाडो रोने लगती है, तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे बहन, तुम सब इस तेज बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम रास्ता भटक गई हो? लाडो सारी बातें रानो चिड़िया को बता देती है। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, आओ मेरे साथ। रानो सबको साथ लेकर अपने घर आ जाती है। पहले इस कंबल से अपने बच्चों को ढक दो, मैं तुम सबके लिए अदरक और इलायची वाली चाय लाती हूँ। रानो सबके लिए चाय लाती है, लेकिन बच्चे चाय नहीं पी रहे थे,
क्योंकि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। बहन जी, बच्चों का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, मैं अभी जाकर डॉक्टर उल्लू चाचा को बुला कर लाती हूँ। उल्लू चाचा बच्चों की जांच करते हैं। बच्चों को बहुत ठंड लगी है, मैं एक कुछ जड़ी बूटी दे रहा हूँ, आप ये इन्हें समय पर खिला देना और जितना हो सके इन बच्चों को गर्म रखना। चाचा, आपकी फीस कितनी हुई? रानू चिड़िया, जिस हालत में ये माँ और बच्चे तुम्हारे घर आसरा लेने के लिए आए हैं, उस हालत में मैं इनसे कैसे फीस ले सकता हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। रानू बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इस मुश्किल हालत में मदद की, वरना मेरे बच्चों का क्या होता। नहीं नहीं लाडू बहन, इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। रानू बहन, मुझे जाने का तो मन ही नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका घर तो टूट गया था, तो आप कहाँ पर रहोगी? पहले मैं अपना घोंसला फिर से बना लूँगी, तब तक आप मेरे बच्चों को अपने घर में रखो। घोंसला बन जाने के बाद मैं इन्हें लेकर जाऊँगी। लाडो बहन, चाहे तो आप मेरे घर के पास ही अपना घर बना सकती हो। मम्मी रानू आंटी से ही कह रही है, हमें उस जंगल में वापस नहीं जाना चाहिए, वहाँ तो आए दिन तूफान आता जाता रहता है और हमारा घोंसला टूट जाता है। आप भी रानू आंटी के जैसा लकड़ी का घर बना लो, फिर हमारा घर नहीं टूटेगा। अरे बेटा, मुझे तो लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। अरे लाडू बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लकड़ी का मजबूत घर बना दूंगी। मुझे लकड़ी का घर बनाना आता है, आप बस जंगल से लकड़ियां लाकर मुझे दे दो, मैं घर बना दूंगी। लाडू चिड़िया जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठा कर ले आती है और रानू चिड़िया उन लकड़ियों का घर बनाती है। दो तीन दिनों में उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। रानू बहन, आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना सुंदर, प्यारा और मजबूत लकड़ी का घर बना दिया। लाडू और उसके प्यारे प्यारे सात बच्चे उस लकड़ी के घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं।